तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में थॉर कंसेप्ट दिखाने वाला हूँ आपको, पिक्सआर्ट पे कैसे बनाते हैं। वेल, ये मेरा वो कंसेप्ट है जो मैंने कचरे के ढेर में से उठाकर फिर से बनाया था, क्योंकि ये इनिशियली बहुत ही ज़्यादा बेकार बना था। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरी वो फोटोशॉप ट्यूटोरियल वीडियो में देख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले ये कंसेप्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक इस पोज में फ़ोटो खिंचवा ली, उसके बाद उसको उसका बैकग्राउंड निकाल कर उसको इन्वर्ट करके मैंने एक लैंडस्केप की फ़ोटो पर लगाया। एडजस्ट टूल में जाने के बाद मैंने सभी शेडोज़ को, सभी एक्सपोजर, जो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सबको लो करके मैंने कैजुअली ड्रॉ करना शुरू कर दिया, और उसके बाद उसको इन्वर्ट कर दिया ताकि वो शेडो लगे उस जगह की, और जहाँ पे जो पार्ट्स ज़मीन के साथ टच कर रहे थे उनकी मैंने इंटेंसिटी थोड़ी हाई रखी। उसके बाद जस्ट सिंपली मैंने फ़ोटो को क्रॉप किया जितना मेरे को चाहिए था। क्रॉप करने के बाद मैंने इस फ़ोटो को ड्रॉ टूल में जाके सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने एक और बैकग्राउंड लिया, उस बैकग्राउंड में जो था वो एक बेसिकली सनसेट था। उसके बाद मैंने अपनी जो अभी क्रॉप की थी लेयर उसको सामने लेकर आया। आपको भी गाइस सिंपली ऐसे करना होगा, काफ़ी इजी है, जस्ट आपका टाइम जाएगा जो है कटआउट करने में। उसके बाद सिंपली मैंने धीरे धीरे ब्रश को थोड़ा जो है हार्ड करके, ब्रश को जो है थोड़ा सा प्रिसाइजली हार्ड करके कट करना शुरू कर दिया जो है पीछे बैकग्राउंड से अपने मॉडल को। मेरा ज़्यादातर टाइम बेसिकली कटिंग में जाता है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा आप जितना टाइम हो सके आप अपनी कटिंग परफेक्ट करें ताकि जो है आपकी फ़ोटो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, आपने जो भी छोटे पार्ट थे जैसे फिंगर्स थी, जो आर्म थी पीछे, उसको मैंने काफ़ी ध्यान से कट कर लिया, और उसके बाद मैं हेयर्स की तरफ कट करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करते 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 मैंने सारा जो है वो बैकग्राउंड हटाना शुरू कर दिया। हेयर के साथ मैंने ये ध्यान रखा कि जो हेयर है वो मेरे काफ़ी सही लगे अगर दूर से देखें जूम आउट करके, जैसे अभी काफ़ी थोड़ा गलत लगने लग गया था तो मैंने फिर से उसको इरेज करके फिर से रीस्टोर किया। और उसके बाद मैंने एजेस का ध्यान रखते हुए ज़मीन के साथ जो है पीछे से बैकग्राउंड कट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मैंने एक छोटी सी जैसे मान लो मार्जिन लाइन के साथ मैंने कट कर दिया ताकि जब मैं बड़ा ब्रश लेके उसको फिर से कट करना शुरू करूँ या इरेज करना शुरू करूँ तो वो इतना प्रिसाइसली ना मुझे करना पड़े। उसके बाद मैंने जो नीचे छोटा सा पार्ट बचा था उसको भी कर दिया इरेज। उसके बाद मैंने एक लाइट ब्रश लेकर उसका साइज़ बड़ा करके जो पीछे से है वो जो जिसको कहते हैं हम होराइज़न, उसको मैंने धीरे धीरे इरेज करना शुरू कर दिया क्योंकि वो काफ़ी अच्छा ब्लेंड होता है। उसके बाद मैंने थोड़ा अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया जो मेरे को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, जिसने मेरे 5 से 10 सेकंड वेस्ट कर दिए इस ट्यूटोरियल में। वैसे तो 5 से 10 मिनट हुए थे जस्ट बिकॉज मैंने इस ट्यूटोरियल को थोड़ा फास्ट किया हुआ है। तो गाइस सीरियसली अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली एक फ़ोटो ली जिसमें कि ये आई बॉल्स ये ज़्यादातर आपको आपने देखा होगा सोनी जैक्सन यूज़ करता है अपनी फ़ोटो एडिटिंग वीडियोस में, तो मैंने उसी के एक वीडियो में से ये अपने पास स्टोर किया हुआ था, तो मैं ज़्यादातर भी यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मेरी आईज़ के साथ फिट हो जाता है। उसके बाद जैसा कि अब पीछे ऑरेंज टिंट है और येलो टिंट है तो मेरे को अपनी आईज़ में ऑरेंज और येलो टिंट चाहिए था। मैंने आईज़ को एडजस्ट करने के बाद आई बॉल्स के साथ क्या किया, उस एडजस्ट टूल में जाकर उसकी जो ह्यू एंड टिंट है उसको मैंने येलो करके थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके थोड़ी ओपेसिटी कम कर दी, जिसके साथ ऐसा था कि वो काफ़ी सही अच्छा ब्लेंड होने लग गया था दूर से देखने में। ऐसा है कि फ़ोटो एडिटिंग में आप काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट इतनी ऐड करो कि वो अच्छी लगे बट ज़्यादा नोटिस ना हो। उसके बाद मैंने थॉर का मिलने के लिए ये मैंने एक 4D रेंडर था जो मेरे पास कंप्यूटर में मैंने निकाल के रखा था, उसको मैंने जस्ट सिंपली इरेज कर लिया था। अब ये काफ़ी अजीब लग रहा था क्योंकि वो कलर मैच नहीं कर रहे थे। फिर से मैंने एडजस्ट टूल में जाकर उसको डार्क करना शुरू कर दिया और कुछ जगह से उसको जैसे ब्लेंड करवाना शुरू कर दिया कलर मैच करवा कर। सिंपली फिर मैंने उसको थोड़ा बढ़ा गया और उस पर मोशन ब्लर लगाना स्टार्ट किया क्योंकि ऐसा शो करना था कि मैं जो है हैमर को जो है बुला रहा हूँ और वो मेरी तरफ आ रहा है, तो उसके लिए मुझे मोशन ब्लर लगाना पड़ा। देन जस्ट सिंपली मैंने थॉर की ये वाली फ़ोटो ली जो कि एक आर्ट पेंटिंग थी जो कि फैन आर्ट था बेसिकली। मैंने उसको क्या किया, जो माउंटेन था पहले तो मैंने इसका जो स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड है उसको ओवरले किया। कंप्यूटर में वैसे मैं स्क्रीन करता होता हूँ या फिर लाइटन करता होता हूँ, बट जो मैंने फ़ोन में नोटिस किया है
कि ओवरले काफ़ी सही काम करता है। मैंने उसके बाद उसको लाइट ब्रश के साथ पहाड़ के साथ जो है काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने ये एक पीएनजी लिया थॉर के नाम का, थॉर के टेक्स्ट का। उसके बाद मैंने जो चीज़ नहीं चाहिए थी उसको सिंपली इरेज करके फिर से वही स्क्रीन कर दिया इसको, और जस्ट सिंपली वो काफ़ी अच्छा मेरी फ़ोटो में मर्ज हो गया था। फिर मैंने थोड़े से ट्वीक्स किए एडजस्ट टूल में जाकर। मैं लेंस फ्लेयर यूज़ करना चाहता था बट मैं इंटरनेट नहीं यूज़ कर पा रहा था, दैट्स वाई मैं लेंस फ्लेयर नहीं यूज़ किए। फिर उसके बाद मैंने इसको लाइट रूम में शेयर किया। लाइट रूम में शेयर करने के बाद सॉरी ये थोड़ा ग्लिच सा हो गया, बट लाइट रूम में शेयर करने के बाद मैंने इसको क्या किया कि जो मेरा लाइट रूम है वो क्रैश कर गया। अब क्रैश होने के बाद क्या हुआ, मेरे को ये था कि यार अब मैं कैसे आपको है ना शो करूँ, तो इसके लिए मैंने अपने फ़ोटोशॉप में से जो थी वो मैंने वीडियो यूज़ की है। बेसिकली लाइट रूम और जो कैमरा रॉ फिल्टर है फ़ोटोशॉप का, वो दोनों सेम ही काम करते हैं। बेसिकली वो सेम ही चीज़ें हैं, बस आपको कुछ ट्वीक्स का ध्यान रखना होगा। आपको ब्राइटनेस, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, ब्लैक्स, वाइट्स का ध्यान रखना होगा, और उसके बाद कलर मैच करवाने के लिए आपको मिक्स टूल का ध्यान रखना होगा। और आपको अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो तो पुरानी कुछ वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि काफ़ी रियलिस्टिक दिखाने के लिए अपनी फ़ोटो को लाइट को ट्रैवल कैसे करवाते हैं। तो आपको जस्ट सिंपली इधर उधर ट्वीक करके जो है ग्रेडियंट्स डालकर आपको कुछ हल्के से चेंजेस करने होंगे और आपकी जो है फ़ोटो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो जैसा कि मेरे को लगता है कि मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है गाइज़। एक चीज़ और, मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि एटलीस्ट आपको समझ आता जाए। तो इसी के साथ मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो का कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो में की हुई मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। मिलते हैं फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।